सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों चाहते थे सलमान खान? आयशा का बयान कैसे हुआ सलमान के दिल के आर पार? अनकेट टू किसके है नाम? जानने हैं सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों सलमान खान बिग बॉस 15 फिर से होस्ट कर रहे हैं और सलमान के बिग बॉस पर बहुत सारे एक्टर्स और सिंगर्स अपनी मूवीज और सॉन्ग्स प्रमोट करने आते हैं, लेकिन आज तक सलमान ने अपना शो को अपनी किसी मूवी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन राधे के फ्लॉप होने के बाद सलमान शायद कर सकते हैं वॉन्टेड 2 का पोस्टर बिग बॉस पर अनरिवील। आपको बता दें कि सलमान ने काफी गुप्त तरीके से वॉन्टेड 2 की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और वो जल्दी ही बिग बॉस पर अपनी मूवी प्रमोट करेंगे। बिग बॉस पर अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए सलमान को चुकानी पड़ेगी बड़ी रकम। जी हाँ, आपको बता दें कि हो सकता है नेटिजन सलमान को फिर से ट्रॉल कर दें। लोगों का मानना है सलमान काफी ही बड़े एक्टर हैं और उन्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी मूवी अपने ही शो पर प्रमोट करने की। इनफैक्ट वो मूवी ऑलरेडी ही प्रमोट हो जाती है सलमान को बिग बॉस में देखकर। बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, जो कि काफी ही बेहतरीन खिलाड़ी थे बिग बॉस के, साथ में उन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी भी जीती थी। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ काफी अच्छे एक्टर भी थे। आपको बता दें सिद्धार्थ की मृत्यु के पहले सिद्धार्थ और सलमान की मीटिंग हुई थी सलमान के घर पर। सलमान चाहते थे कि सिद्धार्थ उनके वांटेड 2 मूवी में कॉप का रोल प्ले करे। इतना ही नहीं, सलमान उनको अपने प्रोडक्शन हाउस का टीम मेंबर भी बनाना चाहते थे। सलमान और सिद्धार्थ बिग बॉस के बाद काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। सिद्धार्थ का बिहेवियर सलमान को काफी अच्छा लगता था, लेकिन सिद्धार्थ के सडन डिमाइज के बाद लोगों के साथ साथ सलमान भी काफी शॉक में आ गए थे। सलमान को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका कुछ दिन पहले बना फ्रेंड उन्हें इतनी जल्दी छोड़ गया। इस पर सलमान खान ने फैसला लिया है कि वांटेड 2 मूवी वो सिद्धार्थ शुक्ला के नाम करेंगे डेडिकेट। जो रोल सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फिक्स किया था वो रोल शायद सलमान खुद निभा सकते हैं। जब 2009 में वांटेड की प्रमोशन हो रही थी, तब एक बार आयशा ने न्यूज मीडिया के सामने खुलेआम कह दिया था कि अगर सलमान उन्हें जरा सा भी भाव देंगे तो वो सामने से सलमान को प्रपोज कर देंगी। आपको बता दें सलमान अपनी मूवीज के अलावा हीरोइन से कभी क्लोज नहीं होते हैं और वो खुद से ही अवॉइड करते हैं किसी फीमेल एक्टर से क्लोज होना। इस बात पर जब मीडिया वालों ने सलमान से पूछा कि आपका क्या कहना है आयशा की इन बातों पर, तब सलमान ब्लश करने लगे और उन्होंने बस इतना कहा, जो भी है सही है। अगर सलमान चाहते तो इन बातों को इग्नोर कर देते, लेकिन उनका ये रिप्लाई साफ साफ दर्शाता है कि सलमान शर्मा गए थे आयशा के बयान पर, या कहीं उनका दिल हो गया था आर पार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी मजेदार और लेटेस्ट मूवी की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वांटेड 2 के लिए आप हैं कितने एक्साइटेड।